एवरीवन, आई एम प्राची भट्ट, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ एक आर्ट पीस का वीडियो शेयर करूंगी। इस वीडियो को मैंने दो पार्ट्स में डिवाइड किया है, एक है उसका मेकिंग प्रोसेस और एक है पेंटिंग प्रोसेस। तो आज मैं आपके साथ डिटेल में शेयर करूंगी मैंने उसे किस तरह बनाया है। सो मेक श्योर टू वॉच द वीडियो टिल एंड एंड स्टे ट्यून्ड फॉर पार्ट टू। और एक और चीज मैं आपके साथ शेयर करना चाहती थी, मैं पहले अपने इस चैनल पर कुकिंग वीडियोस भी शेयर करती थी, बट देन आई थॉट मुझे कुकिंग और आर्ट एंड क्राफ्ट को अलग ही रखना चाहिए। सो फॉर रेसिपीज आई हैव स्टार्टेड अ न्यू चैनल, प्राचीज प्लेटर। तो जिनको कुकिंग में इंटरेस्ट है प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। और जिन्होंने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। नाउ विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले मैंने यहाँ दो इक्वल साइज़ के कार्डबोर्ड लिए हैं जिसे फेविकोल से स्टिक कर देंगे फॉर अ स्टर्डी बेस। अब कार्डबोर्ड के एजेस पर पेपर स्टिक कर देंगे, इससे हमें अच्छा एक नीट बेस मिलेगा। सारे साइड्स को सील करने के बाद हम इसके ऊपर टेक्सचर पेस्ट लगाएंगे बेस को थोड़ा टफ बनाने के लिए। ये टेक्सचर पेस्ट मैंने किस तरह से बनाया है अगर आप जानना चाहते हैं तो इसके वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। टेक्सचर पेस्ट को अच्छे से इवनली स्प्रेड कर देंगे। मैं यहाँ काफ़ी थिन लेयर लगा रही हूँ, आप टेक्सचर पेस्ट की थिकनेस अपने हिसाब से लगा सकते हैं। अगर आपको टफ और हैवी बैकग्राउंड चाहिए तो आप उसको थोड़ा थिक भी रख सकते हैं। अब मुझे बैकग्राउंड प्लेन चाहिए, कोई टेक्सचर नहीं चाहिए बैकग्राउंड में, इसीलिए मैं फिंगर को हल्का सा गीला करके टेक्सचर पेस्ट पर लगा रही हूँ ताकि हमारा बैकग्राउंड एकदम प्लेन हो जाए, सिंपल हो जाए। अगर आप कोई टेक्सचर देना चाहते हैं तो दे सकते हैं। टेक्सचर पेस्ट को अच्छे से ड्राई होने दें, उसके बाद ही नेक्स्ट प्रोसेस पर जाएं। यहाँ हमारा बैकग्राउंड अच्छे से ड्राई हो चुका है। अब मैं अपने ड्राइंग पर वॉल पुट्टी डो को स्टिक करूँगी ग्लू से। इस वॉल पुट्टी डो को कैसे बनाना है उसका वीडियो मैंने बनाया है जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। मैं यहाँ एक फ्रेज लिखने वाली हूँ जिसके बीच में मैंने यहाँ कृष्ण भगवान का हाथ बनाया है। आप अपनी पसंद की कोई भी डिज़ाइन बना सकते हैं। वॉल पुट्टी डो स्टिक करने के बाद उसे स्मूथ करने के लिए हाथ को हल्का सा गीला करके हम उसको स्मूथ करेंगे। और इसी तरह वॉल पुट्टी को छोटे छोटे पोर्शंस में चिपकाकर हाथ का शेप देंगे और उसे पानी से स्मूथ करते जाएंगे। अब यहाँ मैंने बांसुरी बनाई है। बांसुरी का शेप देने के लिए कोई भी छोटे से साइज का कैप लेंगे और उसको हाफ सर्कल्स में इस तरह से कट कर दे जाएंगे जैसा आप वीडियो में देख रहे हैं।
सेम वॉल पुट्टी डो का कॉइल बनाकर हम अपना फ्रेज लिखेंगे। मैं यहाँ लिख रही हूँ निष्काम कर्म, जिसका मीनिंग होता है सेल्फलेस एक्शंस और डिजायरलेस एक्शंस। इसे भी हम ग्लू से स्टिक करते जाएंगे और पानी से स्मूथ करते जाएंगे। पूरा वर्ड लिखने के बाद हम पेंट ब्रश को हल्का सा गीला करेंगे और इसे अच्छे से शेप देंगे और स्मूथ करते जाएंगे। इस पूरे प्रोसेस में पेशेंस रखें, जल्दी ना करें, नहीं तो आपका आर्टवर्क खराब हो जाएगा। सेम प्रोसेस फॉलो करके हम फ्रेज का दूसरा वर्ड भी कंप्लीट कर देंगे। अब मैं कृष्ण जी के हाथ में सुदर्शन चक्र बना रही हूँ। उसके लिए भी हम वॉल पुट्टी डो ही यूज़ करेंगे। उसका कॉइल बनाकर उसे स्टिक करना है और सेम प्रोसेस पानी से उसको स्मूथ करते जाना है। और अब कृष्ण जी के हाथ में हम कड़ा बनाएंगे। एक बात ध्यान रखें, जब आप वॉल पुट्टी से काम करते हैं और वॉल पुट्टी से लेयरिंग करते हैं तो हमेशा प्रीवियस लेयर कम्प्लीटली ड्राई हो उसके बाद ही नेक्स्ट लेयर करें। जैसे कि यहाँ प्रीवियस लेयर मतलब हाथ ड्राई हो गया, उसके बाद ही मैं यहाँ कड़ा बना रही हूँ। कड़े पर डिज़ाइन बनाने के लिए आप कोई भी टूल्स यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पेंट ब्रश, कैप और टूथपिक जैसे टूल्स यूज़ कर रही हूँ। अब मैं यहाँ सुदर्शन चक्र के साइड्स में सेरेटेड एजेस बना रही हूँ। उसके लिए मैं छोटे छोटे ट्रायंगल्स बनाऊंगी और उसको साइड्स में स्टिक कर दूंगी। आइडियली सुदर्शन चक्र में 108 सेरेटेड एजेस होते हैं, पर मैं यहाँ 108 नहीं बना पाई। और अब बांसुरी के एंड में हम टेसल्स बनाएंगे।
फाइनली अब मैं इसके ऊपर टेक्सचर पेस्ट और स्टेंसिल यूज़ करके मोरपंख बना रही हूँ। उसके बाद इसे कम्प्लीटली ड्राई होने के लिए छोड़ देंगे। और नेक्स्ट वीक मैं इसका पेंटिंग का वीडियो शेयर करूँगी, सो मेक श्योर टू स्टे ट्यून्ड। एंड आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। प्लीज़ लाइक, शेयर, कॉमेंट एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।